सो हेलो गाइस, सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मूवी वेयर में। सो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही अमेजिंग गैजेट। अगर आपको कैंपिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो गैजेट आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं और बहुत ही आपको अमेजिंग लगने वाले हैं गैजेट्स। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना। सो गाइस, सबसे पहला हमारा गैजेट है जो आपके बहुत ही मदद आने वाला है अगर आप कैंपिंग पे जाते हैं तो, ये रात में आपके बहुत ज़्यादा मदद आने वाला है। इसका नाम है 60 डे ड्यूरेबल एलईडी लालटेन। तो ये यूएसटी ब्रांड कंपनी की तरफ से है जो बिल्कुल 60 दिन तक आपका साथ देगा। बिल्कुल रात में आपको ज़रूरत पड़ती है तो 60 दिन तक बिल्कुल लगातार चल सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि ये बना ABS प्लास्टिक से, जो बहुत ज़्यादा मजबूत क्वालिटी की प्लास्टिक है। और इसमें आपको SOS का सिस्टम दिया जाता है, इससे अगर आपको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, अगर आप किसी खतरे में फंस गए हैं तो 15 दिन तक लगातार SOS का सिस्टम चला सकता है, जिससे SOS एक इमरजेंसी लाइट निकलती है जिससे आपको पता लगाया जा सकता है। सो गाइस, ये बहुत ही बेहतरीन गैजेट है, अगर आप कभी कैंपिंग पर जाते हैं तो इसे लेकर जरूर जाना। सो गाइस, ये दूसरा गैजेट और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मुझे तो लगा, क्योंकि ये गैजेट बिल्कुल आपको निंजा हथौड़ी की तरह, एक निंजा की तरह लगता है, जिसमें वो आप शेल्टर बना सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो। और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप इस शेल्टर को यूज़ कर सकते हैं, शेल्टर को आप ले सकते हैं जो कि अटक जाता है किसी भी ट्री पे या फिर किसी भी स्टेबल स्ट्रक्चर पर, जो कि मजबूत स्ट्रक्चर आप उस पर इसको अटका सकते हैं। तो इसका नाम है जैसे कि द ककून इमरजेंसी ट्री शेल्टर, जो इमरजेंसी में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आपको कोई जगह नहीं है और अगर नीचे, तो आपको पता है कि नीचे सेफ नहीं होता, आपको वाइल्ड एनिमल से खतरा रहता है अगर आप नीचे ज़मीन पर सोते हैं, और तो ये आपके लिए बहुत ही मदद करेगा। आप अभी ऊपर सो सकते हैं ट्री में इसको अटका के, पर ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर ट्री की टहनी हुआ है वो टूट गई तो आप नीचे भी गिर सकते हैं, और इसलिए आपको इसे बहुत ही ज़्यादा सावधानी से यूज़ करना होगा। और इसके अंदर तो आपको बिल्कुल खतरा होने वाला नहीं है ये, क्योंकि बना है बहुत ही मजबूत बैग से, बियर पंचिंग बैग की इसकी क्वालिटी है, जिससे कि आपको कोई खतरा नहीं होगा, इसके अंदर भी आपको बहुत ही आराम महसूस होगा। सो गाइस, ये वाला गैजेट बहुत ही अमेजिंग है, मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा। अगर आपको ये भी कोई से भी गैजेट में मंगाना है तो आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, जो नीचे आपको लिंक दी गई है। गाइस, हम आए थे अपने तीसरे गैजेट की तरफ जिसका नाम है बायोलाइट कैम स्टोव 2। सो बेसिकली ये गैजेट एक स्टोव है जिसमें आप खाना पका सकते हैं, कुछ भी चीज़ अगर आपको आग की करनी है तो आप उसमें कर सकते हैं। पर ये बेसिकली बहुत ही अमेजिंग स्टोव है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो फायर की मदद से। आपको फायर जलानी है उधर लकड़ियों से, जिससे भी आप जलाना है वुड से आप जला सकते हैं। सो इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, इससे आप अपनी कोई भी चीज़ चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, आप कैंपिंग करने जाते हैं तो आपको इन चीज़ों की बहुत मदद पड़ती है। और जैसे आपकी लाइट की अगर बैटरी ख़त्म होने वाली है तो उसको भी आप, बैटरी डेड होने वाली तो आप उसको भी चार्ज कर सकते हैं। या बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जैसे आपका कोई भी खाना बनाने की चीज़ होती है, बहुत सी हैं वो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी चलती हैं और उससे जनरेट होती है, तो आप उनके लिए बहुत ही आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, हमारा चौथा गैजेट है सेल्क बैक 5G लाइट, और इसका दूसरा वर्जन भी आ गया 6G। तो ये बेसिकली एक तरह का एक बैग है, मतलब एक सूट है जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट फीचर्स देता है, जैसे कि आपको ये लाइट वेट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसमें आप रिमूव कर सकते हैं इसकी सारी चीज़ें, अलग अलग कर सकते हैं अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। सो ये बहुत ही अमेजिंग गैजेट है, आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा इसमें प्रोवाइड देते हैं, मतलब कंफर्ट आपको प्रोवाइड है और वार्म, मतलब आपको अंदर गर्मी, अगर आप माउंटेनियरिंग पे जाते हैं, अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं यहाँ पे रात में ठंड आती है, तो आप इसको पहन के सोएंगे या फिर इसको पहन के चलेंगे, इससे आप चल भी सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देते हैं जिससे आप चल सकते हैं, आपको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारे सूट्स होते हैं इसमें आपको चलने में बहुत मुश्किल होती है, आप चल नहीं पाते और गिर जाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप बहुत आराम चल सकते हैं, इसमें सारे फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। सो गाइज़, ये वार्मर सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसे गर्मी का सीज़न होता है उसमें भी आपको गर्मी नहीं लगेगी और अंदर से ठंडा रहेगा, तो दोनों मौसम एडजस्ट कर सकता है। सो गाइज, बहुत ही अमेजिंग गैजेट है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू द कैंपिंग डोनट। सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गैजेट है, जो हमारा पाँचवा गैजेट है, इसका नाम है द कैंपिंग डोनट। ये एक तरह का कैंपिंग डोनट, मतलब आपको कैंपिंग के एक जगह मिल जाते हैं, कैंपिंग टेंट है जो बहुत ही अमेजिंग, इसमें आप अगर फैमिली के साथ जाते हैं कहीं पे घूमने, पिकनिक मनाने और आपको वहाँ रात में रहना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें बड़ा स्पेस दिया जाता है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग गैजेट है। आप जैसे इसकी फोटोज़ देख सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फन एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। सो इसको एटलीस्ट बस दो पीपल चाहिए जो इसको टेंट को लगाएं, और ये आप सीधा कार में रख के भी ले जा सकते हैं, और बहुत बड़ा साइज़ में टेंट है जिसमें आप कम से कम 4-5 लोग तो आराम से इसके अंदर सो सकते हैं, और अंदर ही बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें जिससे आपको बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। सो गाइस, यही थे कुछ आज के 5 गैजेट्स, कैंपिंग गैजेट्स। अगर आप कैंपिंग में जाना आपको अच्छा लगता है तो इनमें से आप कोई भी गैजेट मंगाएंगे, जिनकी कुछ गैजेट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है जो अमेज़ॉन पर आपके लिए अवेलेबल हैं, पर कुछ गैजेट्स आपको अमेज़ॉन पर अवेलेबल नहीं होंगे, वो थोड़ी
ज़्यादा कॉस्ट के गैजेट्स हैं तो वो आपको कहीं और कंपनी से या दूसरी साइट से आपको खरीदने पड़ेंगे, पर उनकी भी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में और इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं वहाँ से। सो गाइस थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, जिसने लास्ट तक देखिए एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, और भी आगे बहुत सारे गैजेट्स की वीडियो आएंगी और जल्दी जल्दी आएंगी। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।